हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राजक टोच, योर यूट्यूबर। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ऑटो कैड के बारे में। सो गाइस, आपको पता है जैसे कि ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम 2D और 3D ड्राइंग को डिज़ाइन करते हैं, जो कि हर ब्रांच में यूज होता है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट वगैरह, हर ब्रांच में यूज होता है। सो गाइस, ये हमने अपना ऑटो कैड सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, तो ये स्टार्ट ड्राइंग करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा स्लो है। तो गाइज, ये हमारा ऑटो कैड ओपन हो गया है, ठीक है ना सर। तो जो ये चीज़ है ना गाइज, ये कर्सर होता है, ठीक है ना। जैसे ये कर्सर है, ठीक है, जहाँ पे हमने इसे पॉइंट करना है, यहाँ पे पॉइंट किया, ठीक है ना। ये तो गाइस, इसमें जो सबसे पहले लाइन होती है वो एल आती है लाइन, ठीक है। हम टाइप करेंगे एल, कमांड डी, ये लाइन आ गया, ओके। क्या ये यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, इसको मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, अब जहाँ भी चाहते हो, ठीक है ना। तो गाइस, ये देख लीजिए, अब जहाँ पे हम इसको रोकना चाहते हैं वहाँ पे ESC क्लिक किया, तो ये लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी। तो गाइस, अगर आप फिर से लाइन कमांड चाहते हो तो फिर आपको स्पेस को एंटर करना पड़ेगा, या फिर से लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इस लाइन को अगर डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट सेलेक्ट करो और डिलीट, तो फिर से मैं लाइन की कमांड ले रहा हूँ गाइस। ये यहाँ पे क्लिक किया लाइन पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। अभी मेरे को लाइन 3 फीट चाहिए, मैं मान के चलता हूँ 30 फीट चाहिए। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है ना। मेरे को लाइन 30 फीट चाहिए, ओके। एक्चुअली इसके यूनिट्स अभी सिलेक्ट नहीं किए हमने, यूएन में देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे RD एक्चुअल रखना है, ठीक है ना। इसको क्लिक किया, अब हम लाइन की कमांड देंगे लाइन, ठीक है, 30 फीट, इंटर। ये हमारी लाइन 30 फीट की होगी, ठीक है ना। तो गाइस, ये लाइन हमने ले ली जिसकी डायमेंशन हमने 30 फीट दी थी। अब हम अगर लाइन से ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बना दिया, अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो रेक्टेंगल भी बन जाता है। अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो लाइन की कमांड ली फिर से आपने, ठीक है। ओ ट्रैक ऑन रखना जिससे आपकी लाइन बिल्कुल सही हो। ये यहाँ से ट्रैक किया हमने पॉइंट को, ये ट्रैक किया, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप कुछ भी बनाना चाहते हो लाइन की कमांड से, तो नॉर्मली आपको लाइन की कमांड देके डायरेक्शन देनी है, डायमेंशन देनी है, तो ओके।
ठीक है ना, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट कमांड लाइन थी। तो सेकंड क्लास में हम देखते हैं दूसरी कमांड्स के बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल आज हमारी लाइन की कमांड थी। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और सो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा न्यू न्यू चैनल है।